ब्रजेश जी थोड़ा अनम्यूट कर दीजिए, ब्रजेश जी अनम्यूट करके। ऐसे एक लिबरेटिव कॉर्पोरेटिव जहां देश विदेश में जिनको ख्याति प्राप्त थी, उन्होंने भारत की पहली सी स्किल यूनिवर्सिटी में उनको जब अवसर मिला, उनको जब निवेदन किया गया, तो उन्होंने इस काम को स्वीकार किया और उस काम को देख रहे हैं। तो स्किल यूनिवर्सिटी में जो हमको आपको बहुत प्रासंगिक हो सकता है, अर्न व्हाइल यू लर्न, माने सीखते हुए कैसे कमाएं। हम कई बार बोलते थे लर्निंग व्हाइल अर्निंग, अर्निंग व्हाइल लर्निंग, ये जो दोनों आपस के शब्द हैं, जो ट्रेनर हैं वो बोला करते हैं कि भाई आप सीखते हुए कमाइए। हम ट्रेड यूनियन के लोग कई बार बोलते थे कि हमको कैसी ट्रेनिंग चाहिए जो हम कमाते हुए सीखें। तो मैं समझता हूं कि इनका जो फोकस, वो कहने में हमसे इधर का उधर होता होगा, वो प्रशिक्षण के दौरान कमाई की बात करते हैं, हम कमाते हुए प्रशिक्षित हो जाएं, ऐसा हम एक आग्रह रखते हैं। तो मैं समझता हूं कि हम दोनों बहुत नजदीक हैं। उनका वैशिष्ट, उनका बड़ा फोकस इस बात पर है। और ऐसे बहुत सारे इस श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी को बहुत सारे अवार्ड आपके नेतृत्व में मिले हैं। इन्होंने एक उत्सव फाउंडेशन नामक एक संस्था भी प्रारंभ की है, जो मोटे तौर पर बहुत गरीब और पिछड़े से बच्चों की शिक्षा और उनके स्किल अपग्रेडेशन के लिए काम करती है। और जो प्रधानमंत्री की कौशल विकास योजना है, आप उसकी स्टैंडिंग कमेटी में, उसकी मॉनिटरिंग कमेटी में सदस्य के नाते भी है। तो ऐसे जो विषय हम सभी लोगों ने आज चर्चा के लिए जिस पर जानकारी हमको मिले, उस विषय के एक अच्छे दक्ष, एक अथॉरिटेरियन स्पीकर इस नाते से श्रीमान राज नेहरू जी हम सभी को उपलब्ध हुए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सभी की अपेक्षा जैसा है उसके अनुरूप हम सभी लोग उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। मैं श्रीमान राज नेहरू जी को निवेदन करूंगा कि वो हम सभी के सम्मुख अपना विषय रखें। श्रीमान नेहरू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार पुनः। क्या मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल एकदम अच्छी, साफ है सर, क्लियर है सर, क्लियर है प्लीज। सबसे पहले हमने आज श्री बैद्यनाथ राय जी के लिए, उनके लिए जो प्रार्थना की है, मैं एक बार पुनः वो प्रार्थना मन से उनके लिए करता हूँ कि उन्हें उनकी आत्मा को शांति मिले। और आज इस जन्म शताब्दी के अवसर पर श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ जी की जो हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, इससे पहले कि मैं कौशल के विषय में बात करूं, ये बहुत जरूरी है मेरे लिए बोलना कि जैसे ही आदरणीय दत्तोपन्त जी का नाम मन में आता है तो उनके जीवन के विविध आयाम अनायास ही मन में मस्तिष्क उभर कर सामने आते हैं। उन्होंने जिस प्रकार से एक ज्येष्ठ स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, एक कुशल संगठक के रूप में तथा अनेक राष्ट्रप्रेमी संगठनों के शिल्पकार के नाते और एक विख्यात विचारक के नाते, लेखक के नाते और संतों के समान त्याग की भावना रखने वाले और संयमित जीवन को जीने वाले, जो प्रेरणा उन्होंने समाज में दी है तथा जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय किसानों व मजदूरों को सम्मान जीवन जीने का अवसर प्रदान कराने का अपना पूरा जीवन भर प्रयास किया है, मुझे लगता है कि साथ साथ में उन्होंने विश्व पटल पर भी एक ऐसी कीर्ति को स्थापित किया है और ऐसी कीर्ति को अंकित किया है जिससे पूरे भारत को गौरवान्वित महसूस होता है। और आज उनकी इस श्रृंखला में हम जिस प्रकार के ये कार्यक्रम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक है समाज तक उनके चरित्र को पहुंचाना, उनके विचारों को पहुंचाना, उनके उनकी फिलॉसफी को पहुंचाना, क्योंकि आज भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में उनके इस विचार की बहुत बड़ी आवश्यकता है।
और जिस प्रकार से आज दुनिया भर में ग्लोबलाइजेशन को के माध्यम से एक्सप्लॉइटेशन का मॉडल पूरी दुनिया में खड़ा हो गया है, मुझे लगता है उनके इन विचारों की एक बहुत बड़ी क्रांति पूरी दुनिया में लाने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से अब हम जा रहे हैं, जिस प्रकार की नीति और नीतियां आ रही हैं हमारे सामने, शिक्षा नीति भी अभी कुछ दिन पहले उसका अनावरण हुआ है, बहुत हद तक जब हम शिक्षा नीति को भी बहुत करीब से देखते हैं तो मुझे उसमें बहुत सारी ऐसी झलकें दिखती हैं जो हमें प्राचीन भारत की शिक्षा नीति से, विधि से जोड़ती हैं। तो अतः मैं आप सबका आभारी हूं कि आपने मुझे, मेरे से कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा मांगना चाहूंगा, परंतु आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज इस विषय के ऊपर कुछ बोल सकूं, ये मेरे लिए बहुत ही अहम प्लेटफॉर्म है कि मुझे इस प्लेटफॉर्म से आज बोलने का एक अवसर मिला है। सो जहां तक कौशल की बात है, शिक्षा की बात है, एक बहुत जरूरी बात समझनी है कि भारत जो है यहाँ की सभ्यता और दुनिया भर की सभ्यता को जब हम आंकते हैं और दोनों में जब हम डिफ्रेंशिएशन देखते हैं, क्योंकि हमारी सभ्यता भारत जब दुनिया के कंपैरिजन में हम देखते हैं बहुत डिफरेंट है। मैं दुनिया भर में घूमा हूँ और जब मैं भारत और दुनिया के बीच में कंपैरिजन देखता हूँ तो यहाँ की सभ्यता में जो कुछ अहम बातें हैं जो हमारे कल्चर को, हमारी सभ्यता को बाकी सभ्यताओं से अलग बनाती है, कुछ ऐसे विचार हैं, विचारों के कारण से हम लोग बड़े भिन्न हैं। जैसे हमारे देश में सत्य है की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, आचार की बात करते हैं, विचार की बात करते हैं, नियम नियति नीति की बात करते हैं, आदर सत्कार की बात करते हैं और यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, आयुर्वेद की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे वेजिटेरियनिज्म की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं और हमारे यहाँ पे प्रकृति के प्रति हमारी उदारता और कृतज्ञता की बात करते हैं। अगर आप इन चीजों के बारे में देखें, ये दुनिया भर में कहीं नहीं है। मैं जिस भी देश में गया हूं, इस प्रकार की विचार रखने वाले, इस प्रकार की सोच रखने वाले दुनिया में आपको किसी भी देश में लोग नहीं मिलेंगे, किसी भी देश में आपको इस प्रकार की सभ्यता नहीं मिलेगी। और इन्हीं कारणों से जिस प्रकार की चीजें हमारे देश में उत्पन्न हुई, उन विचारों से जिस प्रकार के मैनुस्क्रिप्ट्स निकले, जिस प्रकार के थॉट प्रोसेसेस निकले, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट थॉट प्रोसेस आज हमारे यहाँ जब हम वेदों की बात करते हैं, जिसके कारण से हमारी ओरिजिनल थिंकिंग, हमारा जीवन जीने का एक एक लहजा जो बना वो इन्हीं विचारों से बना, जिन विचारों की एक कुलेशन हमारे वेदों के रूप में हमारे सामने आई और जिनमें हमें टॉलरेंस के बारे में सिखाया गया, एक्सेप्टेंस के बारे में सिखाया गया। आप देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट विचार हमारी जो शिक्षा में हमें, जब गुरुकुल मॉडल में देखता हूँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट विचार, एक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, मेरे से अगर उसके उच्चारण में गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें, विचार है वो, जो थॉट है वो है अनुभद्रा कृत्वो यन्तु विश्वतः। ये विचार बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश में जब हम इस विचार को जब हम पढ़ाते हैं, बोलते हैं, तो ये कहता है लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल साइड्स। अब देखिए कितना पवित्र विचार है, अनुभद्रा कृत्वो यन्तु विश्वतः, लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल साइड्स, यानी नोबल थॉट्स सारी दिशाओं से मुझे मिले, कोई भी ऐसी दिशा में छोड़ता नहीं हूं जिस दिशा से मैं विचारों को अपने पास आने की इजाजत नहीं देता। इस विचार में ये भी है कि कॉन्ट्रेरियन व्यू, यानी मेरे विचार के विरुद्ध भी अगर कोई विचार है, उस विचार को भी मैं अपने पास आने की अनुमति देता हूं। अगर आप बाकी सभ्यताओं में जाएंगे और वहां आपको एक बड़ी यूनिक चीज दिखाई देगी, वहां पे लेट द नोबल थॉट्स कम टू मी फ्रॉम ऑल साइड्स नहीं है, वहां पे यूनिलैटरल व्यू है कि जो मेरा विचार है वही सही है। परंतु ये भारत की ही एक सभ्यता ऐसी है, हमारी शिक्षा के अंदर जो प्राण फूके गए वो इसी सोच ने फूके कि लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल साइड्स, हर दिशा से, हर प्राणी से, हर व्यवस्था से, हर अवस्था से मेरे पास विचार आए और वो नोबल विचार हों और उन्हीं विचारों के समावेश से मैं एक नए विचार की कल्पना करूं और वो नया विचार
उसमें से क्या निकले, कृंतोवा यंतु विश्वतः आर्यम, लेट अस मेक दिस वर्ल्ड अ नोबल प्लेस टू लिव, हम इस दुनिया को एक बहुत ही अच्छी और नोबल जगह बनाए, यानी आपका विचार और मेरा विचार मिलके एक नया विचार क्रिएट करे और उस विचार में से हम एक ऐसा विचार निकालें जिससे बहुत अच्छे समाज की कल्पना करें। ये सोच है और इस सोच ने को एग्जिस्टेंस को बढ़ावा दिया, इस सोच ने हमारे यहाँ पे हर एक कल्चर को बढ़ावा दिया, चाहे वो ज्यूज थे, क्रिश्चियंस थे, बुद्धिस्ट थे, ज़ोरास्ट्रियंस थे, मुस्लिम थे, सबको यहाँ पे एक प्रकार से एक्सेप्टेंस दी और जिसका जिसका परिणाम स्वरूप ये निकला कि हम लोग दुनिया भर में इतने फेमस हुए, इतने मशहूर हुए कि दुनिया भर से लोग इस देश को देखने के लिए आते थे। मैं जब पढ़ता हूँ, चाहे वो जिनजांग है, फाहियान है, यूनसांग है या पर्शियन स्कॉलर्स हैं, वो लिखते हैं, जो अच्छे अच्छे स्कॉलर्स हैं वो लिखते हैं कि दुर्गम से दुर्गम मार्गों से होते हुए भी वो भारत आना चाहते थे और भारत की इस शैक्षिक सभ्यता को देखना चाहते थे। और ये शैक्षिक सभ्यता कहाँ मिलती थी, उन्हें मिलती थी हमारे गुरुकुलों में, हमारे ऐसे ऐसे विश्वविद्यालयों में मिलती थी जिसका वर्णन आज हमारे सामने जब हम देखते हैं, चाहे वो नालंदा है, सोमपुरा है, उदांतपुरी है, वल्लभी है, शारदा है, ऐसी कई विश्वविद्यालय भारत के अंदर, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय भारत के अंदर बने और उसपे पढ़ने के लिए लोग दुनिया भर से आते थे। और उस विचार को, जिस विचार की मैं अभी बात कर रहा था, वो विचार प्राणों में फूंका जाता था और वो प्राणों में फूंक कर उसके कारण से जो संस्कार बच्चों में शुरुआती दौर में डाल दिए जाते थे, उन्हीं संस्कारों के आधार पर फिर उसका व्यक्ति का निर्माण होता था, उसके चरित्र का निर्माण होता था, उसकी कौशल कला का निर्माण होता था। और जो कौशल कला वो सीखता था, वो कौशल कला उसके बाद उसका वो उपयोग समाज कल्याण के लिए करता था और उस समाज कल्याण में अपने लिए जितनी पर्याप्त मात्रा में चाहिए उतना ही वो रखता था, बाकी समाज के लिए वो छोड़ता था। इस प्रकार की जो नियम नियति और नीति हमें अपने पूर्व विश्वविद्यालयों में, गुरुकुलों में सिखाई जाती थी और जिसका परिणाम यह निकला कि भारत तो एक ऐसा समृद्ध देश बना जिस देश के को हम कहते थे सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया का अर्थ ये था कि जो चीज हम यहाँ बनाते थे उस चीज का मार्केट पूरी दुनिया भर में यहाँ लोग अट्रैक्ट होके आते थे, वो प्रोडक्ट्स खरीदते थे, सर्विसेज खरीदते थे और हम दुनिया भर में उसको पहुंचा देते थे। और आप इसका कोई, हमने कभी हल्ला गुल्ला नहीं किया, कभी इसका कॉपीराइट नहीं किया, कभी इसका पेटेंट नहीं किया। आप देखिए बड़ी बड़ी बात यह है, अगर भारत ने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का पेटेंट किया होता तो आज पूरी दुनिया इसकी गुलाम होती, लेकिन गुलामी कराना भारत की विचारधारा में था नहीं। जो बनाते थे उसको समाज कल्याण में, समाज के लिए और लोगों के लिए उसको वितरण में डाल देते थे। ये हमारे यहाँ की शिक्षा पद्धति थी, ये हमारे यहाँ का मौलिक विचार था। और मैं आपको एक बड़ी अनोखी सी बात और बताना चाहूंगा, अगर आपने कभी इस व्यक्ति के बारे में पढ़ा हो, इसका नाम था एंगस मेडिसन। ये बहुत बड़ा ब्रिटिश हिस्टोरियन और इकोनॉमिस्ट था। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था कंटूर्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। बड़ी अमेजिंग पुस्तक है। इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ समय के लिए लगेगा कि वास्तव में क्या ये भारत था। इसने बड़ी अमेजिंग सी बात लिखी। अगर हम आज अपने भारत का जीडीपी का कंट्रीब्यूशन दुनिया भर में देखें तो हमारे जीडीपी का कंट्रीब्यूशन करीब 6-7% है टोटल दुनिया की जीडीपी का। लेकिन कंटूर्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी को जब आप पढ़ते हैं तो आपकी दृष्टि वहां जाती है जिसमें एंगस मेडिसन ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को स्टडी किया। उसमें यूएस की इकोनॉमी स्टडी की, यूरोप की इकोनॉमी स्टडी की, अरब वर्ल्ड की इकोनॉमी स्टडी की, चीन की इकोनॉमी स्टडी की, भारत की इकोनॉमी स्टडी की और एक फर्स्ट सेंचुरी एडी से लेके 17वीं-18वीं शताब्दी तक, यानी 1700-1800 साल की इकोनॉमी को उसने स्टडी किया। हैरानी की बात दुनिया भर के लिए ये है कि जब हम एंगस मेडिसन की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो वो कहता है फर्स्ट सेंचुरी एडी से लेके 17वीं शताब्दी तक भारत का जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन दुनिया भर की जीडीपी का था वो 35% से 40% तक का था। अब अंदाजा लगाइए 1700 साल एंगस मेडिसन के हिसाब से 35-40% की जो जीडीपी भारत की थी पूरी दुनिया भर के जीडीपी का, क्या हो रहा था भारत।
आज हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, हम तो आत्मनिर्भर भारत हमारे पिछले 7000 वर्षों से भारतीय सभ्यता के मूल में है, क्योंकि जिस प्रकार की व्यवस्था भारत के अंदर पिछले कई हजारों वर्षों से थी उसने भारत के अंदर इतनी समृद्धि लाई थी। हमारी शिक्षा व्यवस्था इसका सबसे बड़ा मूल कारण था, और उस शिक्षा व्यवस्था का रिजल्ट क्या निकला, चाहे आप मेटलर्जी के एरिया में देखें, चाहे आप मेटल साइंस को देखें, चाहे कैनाल मेकिंग को देखें, ब्रिज मेकिंग को देखें, एग्रीकल्चर को देखें, टेक्सटाइल्स को देखें, चाहे शल्य चिकित्सा को देखें, आयुर्वेद को देखें। हेलो, अनम्यूट क्या डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नहीं नहीं, वो लगता है वो ये कनेक्ट ये हो गया, कौन सा है लिंक थोड़ा ये हो। हेलो हेलो हेलो, ठीक लिंक थोड़ा वीक हो गया उधर स्ट्रक्चर। ठीक ठीक ठीक, वो आ जाएंगे, साथ है इधर है। प्रोफेसर आपका वॉइस सुन रहे हैं, प्रोफेसर राज नेहरू सर लाइव में है, आ जाएंगे। हेलो आज और दोनों लिंक पर चेंज स्पीकर। हेलो आ रहा सर, बात करिए सर, सर बात करिए। राज नेहरू सर, राज नेहरू म्यूट பண்ணல, அவர் லிங்க் போயிடுச்சு சார், அவரால இருக்காரு அந்த இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் ப்ராப்ளம். ஹலோ சார், ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ், ரஞ்சன் சாவு ஆப் பந்த் கரிய, रंजन साहू राइट सर, कंटिन्यू करिए सर, नेहरू सर आप कंटिन्यू करिए। आपका आवाज नहीं आता है नेहरू जी। सर वी आर नॉट एबल टू हियर योर वॉइस ऑडियो, प्लीज वी कैन सी यू नॉट हियर योर हियरिंग। बताइए। हेलो, नहीं नहीं सुनता नहीं। ही इज नॉट स्पीकिंग आल्सो, नो वन मिनट, वन मिनट, ही इज शोइंग वन मिनट। ओके सुरेश चिन्ना को म्यूट பண்ணுங்க, ये म्यूट பண்ணுங்க। 800056 सर का सेकंड सेकंड का भी हो गया अभी आवाज। हाँ सर, दो आपने दो सिस्टम ऑन किया है सर, इसके कारण थोड़े डिस्टर्ब हो गए। अभी आवाज आ रही है? आ रहे सर, आ रहे, प्लीज प्लीज अभी एकदम पक्का, एकदम पक्का है। क्या मेरा आवाज कब रुक गया था, मैं कहां पे आपको सुनाई नहीं दिया? आप एंकर आपने यंगेस्ट बार इसमें 30 जीडीपी कंट्रीब्यूशन 35% टू 40% वहां रुक गए थे सर। एंगस मेडिसन का जो बुक है जिसका नाम है कंटूर्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी,
इसमें बड़े स्पष्ट रूप से इन्होंने दुनिया भर की जब इकोनॉमी को स्टडी किया तो भारत की इकोनॉमी को आवाज आ रही है जी? आ रहे सर, आ रहे। तो इन्होंने देखा कि भारत की इकोनॉमी लगभग 35% ऑफ द टोटल जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड है और दुनिया भर में, अब आप अंदाजा लगाइए कि आज हमारी 6-7% की जीडीपी है दुनिया भर की। ऐसा भारत में क्या हो रहा था कि जिसके कारण से भारत की जीडीपी इतनी बहुत ज्यादा थी? इसका मतलब है भारत के अंदर प्रोडक्ट सर्विसेज जो हम बनाते थे उसको पूरी दुनिया में चाहते थे, परंतु सबसे बड़ी बात है कि भारत ने कभी इनको पेटेंट नहीं किया, भारत ने कभी इनका कॉपीराइट नहीं किया, क्योंकि अगर भारत इसका पेटेंट और कॉपीराइट करता तो आज दुनिया भर हमारी गुलाम होती। लेकिन भारत कभी गुलामी की सोच से कभी कोई काम करता नहीं था, जो भी काम करता था उसमें समाज कल्याण सबसे पहले उनके हमारे मन में रहता था। और इसी कारण से जो चीज हम यहाँ बनाते थे, चाहे आप शल्य चिकित्सा देखें, चाहे आयुर्वेद देखें, चाहे आप टेक्सटाइल्स देखें, चाहे आप कैनाल मेकिंग देखें, ब्रिज मेकिंग देखें, चाहे आप मेटलर्जी देखें, एस्ट्रोनॉमी देखें, एस्ट्रोलॉजी देखें, किसी भी क्षेत्र में, और मैथमेटिक्स देख लें, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां भारत ने अपना वर्चस्व साबित नहीं किया था। और इसके कारण से दुनिया भर से लोग यहाँ आते थे और यहाँ के विश्वविद्यालयों में पढ़ते थे, पढ़ाई करके वापस अपने देश जाके उन्हीं का अनुसरण करते थे। खैर, ये एक दूसरी बात है, हम इसको मेंटेन नहीं कर पाए। हमारे यहाँ इन्वेडर्स ने एक बहुत बड़ा त्रासदी की डिस्ट्रक्शन हमारे यहाँ बहुत हुई और उसके बाद हम कॉलोनियल्स के चंगल में फंस गए और कॉलोनियल्स ने अपना एक बहुत ही डेंजरस, जिसको मैं प्लान बोलता हूँ, जिससे भारत की उन्होंने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जो एक नई एजुकेशन पॉलिसी जो मैकॉले साहब लेके आए थे और जिसके कारण से भारत की जो बुनियाद थी उसने बिल्कुल खत्म कर दी, खोखला कर दिया। और जब भारत आजाद हुआ तो उसी बुनियाद को परस्यू करते गए और आज उसका परिणाम ये है कि उसी मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था को हम लोग आगे चलाते गए और उसी की कॉपी हमने पिछले 60 सालों में करते रहे। लेकिन फॉर्चुनेटली अभी जो हमारे यहाँ पे नई शिक्षा नीति आई है, ये मैं जब मैं, क्योंकि मैं भी पिछले एक सवा साल से इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं दावे से कह सकता हूँ इस शिक्षा नीति में अब हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसको हम अपने रूट्स के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपने हेरिटेज के साथ और उस पद्धति से जोड़ेंगे जो पद्धति हमारी शिक्षा व्यवस्था की पहले थी। इसमें एक सबसे बड़ा मैं आज जो अभी चेंजेस हमारे सामने इस नई नीति के अंतर्गत हमारे सामने दिखेंगे, वो सबसे बड़ी जो हमारे सामने जो इम्पोर्टेंट चेंजेस जो हमें दिखेंगे वो ये दिखेंगे कि जो पहले शिक्षा नीति हमारे सामने थी उस शिक्षा के अंतर्गत 10वीं प्लस यानी 10+2+3 का मॉडल हमारे सामने था। और 10+2 के मॉडल में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि हम 10वीं तक बच्चों को एक सिंगल पेंट ब्रश से पेंट कर देते थे। यानी बच्चा जब नर्सरी में ज्वाइन कर गया तो 10वीं तक पहुंचते पहुंचते उसे बस एग्जाम देने होते थे और उसका टारगेट ये होता था कि अपने सब्जेक्ट्स को वो पास कर दे। लेकिन अब ऐसा स्वरूप नहीं होगा। हमारी स्किल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट इस शिक्षा व्यवस्था में डाला गया है जिसको ब्रेक किया गया है। जो 10+2 था उसको अब 5+3+3+4 कर दिया गया। ये 5+3 बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फाउंडेशन और प्रिपरेटरी स्टेजेस के 5+3 हैं। इसमें क्या होगा कि नई शिक्षा नीति में अब ये जो हमारे 5 साल पहले, यानी तीसरा, जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा तो जो पहले 5 साल होंगे उस 5 साल में उसको फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए शिक्षा फोकस करेगी। यानी जो उसकी बेसिक टैलेंट है, जो उसका बेसिक ट्रेट्स हैं, जो उसके बेसिक संस्कार हैं, जो इसकी बेसिक थॉट प्रोसेस है, जो उसकी बेसिक एबिलिटीज हैं, जो अंदर एक टैलेंट बच्चे के अंदर होता है परंतु उसको निहार नहीं पाते क्योंकि सारे का सारा ध्यान तो हमारा पास करने के लिए लगा होता है और सब्जेक्ट्स के ऊपर लगा होता है। लेकिन अब ये 5+3 वाले नए शिक्षा नीति में अब बच्चे की जो बेसिक फाउंडेशन डेवलपमेंट है और प्रिपरेशन है
उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो इसमें सरकार ने नई नीति में लाई है वो ये है कि स्किल डेवलपमेंट को बचपन से ही, जैसे ही बच्चा तीन साल बाद स्कूल जाना शुरू करेगा, प्री नर्सरी में और पोस्ट नर्सरी में, और जैसे ही वो क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री में जाएगा, उसका जो एक्सपोजर है वो बेसिक आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ किया जाएगा। यानी जहां पे आज बच्चों के अंदर शुरुआती दौर में केवल पुस्तकें और किताबें ही पढ़ाई जाती थी, अब वहां पे पुस्तकें और किताबों के अलावा जो बेसिक फैमिलियरिटी है विद जनरल इकोसिस्टम थ्रू प्ले वे मेथड, जो जनरल अवेयरनेस है, ताकि उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उसकी जो इमोशनल थिंकिंग है, उसकी जो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है, उसकी जो न्यूमेरेसी है, जिसके लिए उसको स्पेसिफिक फोकस नहीं मिलता था शुरुआत से, क्योंकि वो जो स्किल्स थे वो डेवलप नहीं किए जाते थे बच्चों के बच्चे। अब उन स्किल्स को सबसे पहले इस शिक्षा सब म्यूट कर दीजिए, क्या है तो मैं मुझे सबसे बड़ी खुशी इसमें है कि कौशल के अंदर सबसे बड़ी चुनौती क्या आती थी कि बच्चे तो जैसे ही 10वीं 11वीं 12वीं कंप्लीट कर लिया और उनकी जो शिक्षा की क्वालिटी थी, क्योंकि पुरानी शिक्षा व्यवस्था में वो डेवलप नहीं हो पाती थी, तो उसके बाद हम सोचते थे चलो बच्चों को अब कोई स्किल डेवलपमेंट कराओ, क्योंकि किसी और काम में तो अब इन्हें कुछ मिला नहीं, तो इसलिए स्किल डेवलपमेंट कराते थे, जिसके कारण से जो डिग्निटी फॉर स्किलिंग थी वो बड़ी पुअर हो जाती थी, लोग स्किल को बड़ी नीची नजर से देखते थे। परंतु अब स्किल को जब 5+3 मॉडल में डाला जाएगा, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं लर्निंग के, जो बेसिक एस्पेक्ट्स है थिंकिंग के, उसके ऊपर जब डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी तो फाउंडेशन स्ट्रेंथन हो जाएगी और हैंड्स को, मोटर स्किल्स को डेवलप किया जाएगा, तो बच्चे के अंदर जो बेसिक पैदाइशी टैलेंट है वो टैलेंट उभर के बाहर आना शुरू हो जाएगा। यानी अब बच्चा अपनी पसंद की चीज को फोकस करना शुरू करेगा, ना कि जो उसके ऊपर थोपी जाती थी। तो उससे दो फायदे होंगे, एक जो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, एक उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगी। इसके साथ एक बड़ी अच्छी चीज इसमें आई है, वो है मदर टंग। यानी वो जिस जगह पर रहता है उसको अब उसकी मदर टंग में ऑप्शन मिलेगा कि वो उन चीजों को सीखे। तो उससे फायदा ये होगा कि जो लोग लोकल लैंग्वेज में अपने घर में मातृभाषा में जो भी उनकी मदर टंग थी उस मातृभाषा में बोलते थे, अब उन्हें उसी मातृभाषा में ये अवसर भी मिलेगा कि वो उसी मातृभाषा में कौशल को भी सीखें और पढ़ाई को भी करें। और इससे फायदा ये होगा कि जब आप मदर टंग में ही कोई चीज सीख रहे हैं तो आपकी सीखने की जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो ज्यादा बेहतर होगा। मैं दुनिया भर में जहां घूमा, चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, कोरिया, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, अगर आप इन सारे देशों को देखें, ये सारे के सारे देशों के अंदर जो शिक्षा है वो लोकल लैंग्वेज में है, वो मातृभाषा में है, और इस कारण से इनके बच्चों के अंदर ड्रॉपआउट्स कम हो जाते हैं और वो बच्चे जो हैं शुरुआती दौर से ही मातृभाषा में ही उनको स्किल्स सिखाए जाते हैं, तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनकी एबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग और कॉन्ट्रीब्यूटिंग बढ़ जाती है। तो हमारे देश में अब ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जो है ये इस शिक्षा नीति के द्वारा स्किल एजुकेशन के माध्यम में आएगा। अब जैसे ही बच्चा आठवीं कक्षा से आगे निकल जाएगा तो बच्चे को छठी और आठवीं के बीच में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स कराए जाएंगे जो समाज के सिस्टम के आसपास, यानी उस जिस सराउंडिंग में वो रहता है, उस सराउंडिंग में किस प्रकार के वोकेशनल क्राफ्ट्स हैं, जैसे कोई कारपेंट्री है, इलेक्ट्रिक वर्क है, मेटल वर्क है, गार्डनिंग है, पोल्ट्री है, जो उसके क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो रहता है, उन क्षेत्रों में जिनमें लोक कला जो है, उस लोक कला के प्रति उसको सजग किया जाएगा। इस नई शिक्षा नीति में स्किल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए सरकार ने बैगलेस डेज, यानी बिना बैग के दिन, यानी जब स्कूल में वो बैग नहीं लेके जाएगा, ऐसे दिन भी घोषित किए हैं। और उसका उन दिनों में उसका काम क्या होगा, वो उस लोक कला को
सीखने के लिए जाएगा। लोक कला को सीखने के लिए भी प्रावधान ये बनाया गया कि वो स्कूल से बाहर जाएगा, यानी टीचर्स के साथ उसको लोकल एरियाज में लेके जाएगा, लोकल मेंटर्स के साथ, यानी जो उस कला में निपुण हैं उन कला के मास्टर्स के साथ उन बच्चों को एसोसिएट किया जाएगा, ताकि आठवीं कक्षा तक बच्चों के अंदर लोक कलाओं के प्रति भी जागरूकता हो, कलाओं के प्रति भी रुचि उनकी बढ़े, और जैसे ही वो आठवीं कक्षा से आगे निकलते हैं नौवीं दसवीं में, तो वोकेशनल एजुकेशन के अंदर जॉब रोल्स के साथ कनेक्ट किया जाएगा। जॉब रोल्स का मतलब क्या है, मान लीजिए जैसे ही नौवीं कक्षा में आज बच्चा गया, तो सबसे पहले तो हम बच्चों को टेंथ करते ही क्या करते हैं कि उनको आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, इसमें डाल देते हैं, यानी उनको सेगमेंटाइज कर देते हैं। जो आर्ट्स में गया वो साइंस नहीं पढ़ सकता, जो साइंस में गया वो कॉमर्स नहीं पढ़ सकता, जो कॉमर्स में गया वो आर्ट्स नहीं पढ़ सकता। तो ये जो हमारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन हमने बच्चों की कर दी थी, ये क्लासिफिकेशन अब खत्म होगी, अब मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम आएगा। यानी बच्चा जैसे ही ग्यारहवीं कक्षा में आ गया तो या दसवीं कक्षा में आ गया, तो बच्चे के पास सब्जेक्ट चूज करने की चॉइस होगी, वो कोई भी सब्जेक्ट जो उसकी रुचि का सब्जेक्ट है उसको पिक कर सकता है, और उसको पिक करने से जहां उसने आठवीं कक्षा तक अपना मन बनाया है, जहां उसकी एक्सपीरियंस है, जहां उसका अनुभव है, जहां उसका प्रेफरेंस है, वो अब उस प्रेफरेंस के आधार पर अपनी शिक्षा को आगे के लिए चुनेगा। अब देखिए, जहां चुनाव से कोई काम हो, चुनाव से पढ़ाई हो, तो वहां पे जो परिणाम है वो परिणाम भी बहुत सार्थक निकलेंगे, और ये इस शिक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव है कि चुनाव के आधार पर बच्चे जो हैं अपना परिणाम को इम्प्रूव करने की क्षमता रखेंगे। तो जैसे ही ग्यारहवीं में बच्चा चला जाएगा, तो इस नीति में क्या किया गया है कि विभिन्न इंडस्ट्रीज में, जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्सटाइल है, कंस्ट्रक्शन है, हर क्षेत्र में लोअर लेवल जॉब्स होते हैं, जो एंट्री लेवल जॉब्स बोलते हैं। इन एंट्री लेवल जॉब्स में जैसे कोई पेंटर है, जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन है, जैसे कोई प्लम्बर है, जैसे कोई सीएनसी ऑपरेटर है, जैसे कोई वेल्डर है, जैसे कोई मशीनिस्ट है, जैसे कोई गार्डनर है, जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं, इन जॉब्स के इर्द गिर्द छोटे छोटे कोर्सेज का निर्माण किया जाएगा, या जो निर्माण हो चुके हैं उन कोर्सेज को सिलेबस के अंदर कंबाइन किया जाएगा। यानी अगर मान लीजिए कोई मैथ पढ़ रहा था, अब उसको साथ में एक वोकेशनल कोर्स भी पढ़ना पड़ेगा, और वोकेशनल कोर्स को पढ़ने के साथ साथ वो मैथ भी पढ़ेगा और वोकेशनल कोर्स भी पढ़ेगा। पहले क्या था, वोकेशनल कोर्स तो ऑप्शन थी, आप पढ़ो ना पढ़ो आपकी मर्जी है, मैथ तो पढ़ना पड़ेगा और मैथ पास भी करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या है, मैथ चुनाव से किया होगा, वोकेशनल कोर्स भी चुनाव से किया होगा, और सबसे मजे की बात यह है कि अब असेसमेंट भी वोकेशनल कोर्स की होगी और उसके नंबर भी जुड़ेंगे, और उन नंबर्स के आधार पर वो पास फेल जो भी आगे उसके साथ होना होगा। तो आप देखिए, बच्चा जब बारहवीं कक्षा तक पहुंच जाएगा तो बच्चे के हाथ में एक हुनर भी होगा, अगर वो बारहवीं कक्षा के बाद नहीं पढ़ना चाहता, उसके हाथ में एक हुनर भी होगा, और वो हुनर के आधार पर इंडस्ट्री के लिए काम करने के लिए जा सकता है। तो अब आप देखिए, इससे लाइवलीहुड भी बढ़ेगा, इससे एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि अब बारहवीं कक्षा के बाद उसे सोचना नहीं है मुझे क्या करना है, बारहवीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते उसके हाथ में एक या दो हुनर तो आ ही गए होंगे, अब उसका मन है वो आगे पढ़ना चाहता है तो वो आगे पढ़ सकता है और हुनर को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन आगे नहीं पढ़ना चाहता वो उसी हुनर के साथ इंडस्ट्री में जा सकता है या अपना काम कर सकता है। तो ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चेंज है हमारे इस वोकेशनल एजुकेशन के अंदर, जो सरकार ने अब इसके अंदर घोषित की है। साथ ही एक बहुत अच्छा मॉडल जो सरकार ने स्किल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए डाला है, वो है फ्लेक्सी एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। आज व्यवस्था क्या है कि अगर कोई बीए करने, बीएससी करने, बीकॉम करने, बीटेक करने के लिए आता है, जब तक वो पूरे चार वर्ष, तीन वर्ष नहीं कंप्लीट करता तो उसे ग्रेजुएट की डिग्री नहीं मिलती है। लेकिन अब इस नई व्यवस्था में आप पहले वर्ष में आएंगे अगर ग्रेजुएशन के, तो अगर आपने पहले वर्ष के बाद ही उसको छोड़ना चाहा सक्सेसफुली, आप सेकेंड ईयर में नहीं जाना चाहते, तो आपको पहले वर्ष के आधार पर ही असेसमेंट की जाएगी और उसके आधार पर ही आपको एक डिप्लोमा दिया जाएगा।
दूसरे वर्ष कंप्लीट करने पे आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, तीसरा वर्ष कंप्लीट करने पे आपको ग्रेजुएशन मिलेगी, और सबसे मजेदार बात यह है कि हर साल किसी न किसी जॉब के साथ कनेक्ट किया गया है। यानी अगर आप दूसरे साल बाद ही ग्रेजुएशन के निकल जाते हैं तो आपको अपने क्षेत्र के किसी जॉब रोल के साथ कनेक्ट किया गया। यानी हर लेवल पर ग्रेजुएट होते होते एक बच्चा किसी न किसी इंडस्ट्री के जॉब के साथ मैप होता जाएगा, ट्रेन होता जाएगा और वो एम्प्लॉयबल होता जाएगा। और इस प्रकार से इस शिक्षा को इन्होंने अंकित किया है। सबसे अच्छी चीज और इसमें ये सरकार ने इस नीति में लाई है कि छठी कक्षा से ही शुरुआत में कोडिंग के स्किल्स, आप दुनिया भर में देख सकते हैं आज टेक्नोलॉजी बहुत चरम सीमा पर है और टेक्नोलॉजी के आधार पर ही एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन भी खड़ा हो गया है। हम ये नहीं कह सकते आज अपने बच्चों को कि आपको टेक्नोलॉजी नहीं सिखाएंगे, हमें पारंपरिक क्षेत्र में भी काम करना है और हमें मॉडर्न क्षेत्र में भी काम करना है, हमें इनके ब्रिज को बनाने की एक व्यवस्था खड़ी करनी है। इसलिए हमारे बच्चे किसी भी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में पीछे ना रहे, नई शिक्षा नीति में कोडिंग जैसे स्किल्स को और नई टेक्नोलॉजी यानी 4.0 जैसे क्षेत्रों में सरकार ने इस नीति के अंदर स्पेशल प्रावधान बनाया कि छठी क्लास से आगे बच्चों को ये स्किल्स सिखाए जाएंगे ताकि शुरुआती उम्र से ही बच्चों को नई टेक्नोलॉजी के प्रति जागृत किया जाए। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि जो फॉर्मेटिव मैंने आपको बताया 30 साल और 8 साल की उम्र के बीच में जो वैल्यूज जो संस्कार हमने डाले होंगे वो संस्कार आधारित टेक्नोलॉजी अगर वो सीखता है, आज कमी कहाँ पे है? कमी है कि अगर आप वेस्टर्न एजुकेशन और इंडियन एजुकेशन जो मूल रूप से भारतीय शिक्षा थी अंतर देखिए, जब मैं घूमता हूं दुनिया भर में तो मुझे दिखता है जो वेस्टर्न मॉडल था ये आउटवर्ड फोकस्ड है, यानी ये फिजिकल वर्ल्ड के कंफर्ट्स के ऊपर फोकस्ड है। जो भारत की मूल शिक्षा थी ये इनवर्ड है, ये इंटरनल कंफर्ट्स के ऊपर फोकस्ड है। लेकिन परिणाम क्या निकला? आउटवर्ड वेस्टर्न मॉडल फोकस जब किया, इन्वेंशंस इनोवेशंस बहुत सारी की, टेक्नोलॉजी बनाई, लेकिन इनवर्ड डिस्कम्फर्ट क्रिएट किए। इसीलिए आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्ट अटैक्स, ये सारी बीमारियां आपको वेस्ट से आज भारत में पहुंची हैं। लेकिन भारत की शिक्षा पद्धति में इनवर्ड कंफर्ट्स के ऊपर ध्यान दिया जाता था, यानी पहले अपने आप को समझें, अपने आप को जानें, अपनी स्ट्रेंथ्स को समझें, मेरा और प्रकृति के बीच में रिलेशनशिप क्या है, मेरा और दूसरों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। जब संस्कार आधारित टेक्नोलॉजी सीखी जाएगी तो मुझे लगता है कि हमारे देश से जो निकला हुआ छात्र होगा वो टेक्नोलॉजी को भी सही मायने में प्रकृति को विनाश से बचाते हुए इस्तेमाल में लाएगा। और यही उद्देश्य हमारी इस शिक्षा नीति का होना चाहिए कि जो भी कौशल हम सीखें उस कौशल से समाज के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कोई डेंजर ना हो, कोई खतरा ना हो, उसको सिखाते हुए हम आगे बढ़े। तो टेक्नोलॉजी के प्रति भी अब इस शिक्षा के माध्यम से बच्चों को जागृत किया जाएगा, उनको अलाइन किया जाएगा और जिसके आधार पर एक बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन हमारे बच्चों की इन्वेंशंस और इनोवेशंस पे हो सकती है। क्योंकि आज अगर दुनिया भर में हम देखें जो इनोवेशंस और पेटेंट्स में पिछले कुछ दशकों में भारत ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, उसका कारण ये है कि जो शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ थी इसने, मैंने जो शुरुआत में बताया जो थिंकिंग स्किल्स हैं हमारे, जो इमोशनल स्किल्स हैं हमारे, जो क्रिएटिव स्किल्स हैं हमारे, जो क्रिटिकल थिंकिंग है हमारी, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, इन स्किल्स को सिखाया नहीं जाता है। और इन स्किल्स को न सिखाने के कारण से बच्चों में रैट रेस लग जाती है और रैट रेस लग जाने के कारण से हमारे कई बच्चे रह जाते हैं और जो बच्चे आ जाते हैं उसमें से कुछ बच्चे तो सिर्फ कॉपी करके फिर आगे निकल जाते हैं क्योंकि नंबर गेन करने होते हैं और उसके कारण से इनोवेटिव माइंडसेट बनता नहीं। इनोवेटिव माइंडसेट बनता नहीं है तो हमारे यहाँ पे नए आविष्कार बनने में फिर कमी हो जाती है। तो जो बच्चे आगे निकल जाते हैं उसमें से एक तो एक बहुत बड़ा तबका बच्चों का अगर आप देखें सिलिकॉन वैली चला जाता है, यूरोप चला जाता है, यूएस चला जाता है, वो ब्रेन ड्रेन भारत से हो जाता है। बहुत सारे लोग मुझे कई बार जब मैं विदेशों में जाता था तो वो कहते थे देखिए यूएस में इतनी सारी इन्वेंशंस होती हैं, यूरोप में इतनी सारी इन्वेंशंस होती हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को शायद भारत में ये मालूम नहीं कि इतनी सारी सिलिकॉन वैली के अंदर जो रिसर्चर्स काम करते हैं उसमें से 70-80% रिसर्चर तो भारतीय हैं
और ये वो भारतीय हैं जिन्होंने भारत के अंदर शिक्षा ग्रहण की होती है, और इन्हीं भारतीयों के रिसर्च और इनोवेटिव माइंडसेट के कारण से आज ये इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो दुनिया में हैं ये अपना वर्चस्व खड़ा कर चुकी हैं और दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स की वाहवाही लूटते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताते कि इस वाहवाही के पीछे भारतीय माइंड भी लगे हुए होते हैं। यही नहीं, पिछले 10-12 सालों में भारत का अगर डेटा उठा के आप देख लें, आप हैरान हो जाएंगे कि भारत के अंदर 800 से भी ज्यादा कंपनियों ने अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भारत में खोले हैं। चाहे चेन्नई जाइए, हैदराबाद जाइए, कोलकाता जाइए, बेंगलुरु जाइए, या दिल्ली जाइए, या गुड़गांव में देखिए, आप हैरान हो जाएंगे कि इन जगहों पे मल्टीनेशनल कंपनीज ने, 800 से भी ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपने जो R&D सेंटर्स हैं वो यहाँ पे खोले हुए हैं। और इन R&D सेंटर्स में करते क्या है, कोई लोकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं है, ग्लोबल प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है। और करने वाले कौन है, 400,000 से भी ज्यादा भारतीय इन सेंटर्स में काम करते हैं भारत के अंदर। ये वो भारतीय हैं जिनके पास टेक्निकल ब्रेन है, जिनके पास इनोवेटिव ब्रेन है, जो कंट्रीब्यूट इन मल्टीनेशनल कंपनीज में करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि अगर इन बच्चों की संख्या बढ़ जाए और अगर हमारा शिक्षा व्यवस्था हर एक भारतीय को इनोवेटिव बनाएगा, मुझे लगता है कि MNCs के साथ साथ हम भारत की भी जो डेवलपमेंट है, भारत की जो ग्रोथ है, भारत की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, हम उस क्षेत्र में भी बहुत योगदान कर सकते हैं। मैं आपको आप जानते होंगे, जैसे दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, वहां भी CEO भारतीय बैठा है, सत्य नडेला। गूगल में जाइए, सुंदर पिचाई बैठा हुआ है। लेकिन अगर आप और क्षेत्रों में देखें, जैसे आज ये कंप्यूटर हम चलाते हैं, इसका जो USB है, ये USB जो जिसके अंदर हम कॉपी करके सेव करके कोई चीज रखते हैं, ये USB को इन्वेंट करने वाला भारतीय था जिसका नाम था अजय भट्ट। और ऐसे ही आज आप पेंटियम प्रोसेसर, इंटेल, ये जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं इसमें प्रोसेसर लगता है, इंटेल का पेंटियम प्रोसेसर लगता है, ये इंटेल का पेंटियम प्रोसेसर इन्वेंट करने वाला विनोद धाम था। इसी प्रकार से जो आज आप याहू मेल, Gmail इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ हॉटमेल है, हॉटमेल सबसे पहले आया था, इस हॉटमेल को बनाने वाला सुधीर भाटिया था। ऐसे ही गूगल का जो सोशल मीडिया नेटवर्क है उसे विक गंडोत्रा ने खड़ा कर दिया। आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, हमारे भारतीयों की जो इनोवेटिव माइंडसेट रही है, जो जिन जो मैंने कहा कि लास्ट टॉप माइल के जो भारतीय थे, वो इन ऑर्गेनाइजेशंस में और हमारे यहाँ जिन्होंने अपनी इन्वेंशंस की। लेकिन मूल रूप से अगर सारी शिक्षा व्यवस्था पूरे पिरामिड को फोकस करती, हमारे रूरल बेल्ट्स में, हमारे ट्राइबल बेल्ट्स में लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनके पास टैलेंट भरा पड़ा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी उनको उन तक ये पहुंचती नहीं थी शिक्षा, क्योंकि या तो हम अंग्रेजी का अनुसरण करते थे या हम लोकल लेवल पर उनको केवल उस रैट रेस में झोंक देते थे, जिसके कारण से वो कभी आगे बढ़ नहीं पाते थे, उनके ड्रॉपआउट्स हाई हो जाते थे। ट्राइबल बेल्ट्स में तो मैं आज देखता हूं, जो ओवरऑल ट्राइबल बेल्ट भारत का है उसमें केवल मात्र 15-17% बच्चे ही पढ़ाई के क्षेत्र में आ जाते हैं, 80-85% बच्चे आ ही नहीं पाते। तो अब जो नई शिक्षा व्यवस्था होगी, इसमें सबसे बड़ी एक जो मुझे उम्मीद लगती है, उम्मीद की किरण, कि हम सब तक पहुंचेंगे, हमारी जो रीच है वो सब तक पहुंचेगी, और उस कारण से जो टेक्नोलॉजी है, हम उस टेक्नोलॉजी का जो ब्रेन ड्रेन होता था, अब उसका ब्रेन गेन होगा, क्योंकि अब भारतीय भारत के अंदर जब हर लेवल पर उस तरह का माइंडसेट हम डेवलप करने की प्रक्रिया करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो आज समस्या हम फेस कर रहे हैं उस समस्या से शायद हमें छुटकारा मिलेगा। साथ साथ में जो अब भारत की जो एक क्रेडिबिलिटी दुनिया भर में बन रही है और चाइना की क्रेडिबिलिटी दिन प्रतिदिन डाउन होती जा रही है उसके अपने हरकतों के कारण से, उसके कारण से भी भारत की और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अब रुक कर रही हैं। मैं पिछले एक महीने से लोगों से पूछ रहा हूँ कि ऑर्डर की स्थिति क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग में मुझे बताते हैं कि जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो भारत में अपना ऑर्डर नंबर को बढ़ाना चाहती हैं और मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट करना चाहती हैं भारत, लेकिन उसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग मॉडल यहाँ पे चाहिए वो भी टेक्नोलॉजी से परिपेक्ष चाहिए, क्योंकि आज IoT की बहुत बड़ी जरूरत है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी जरूरत है प्रोडक्शन सिस्टम को इम्प्रोवाइज करने का। तो इस टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से इस्तेमाल में लाना और इसके लिए हमारे यहाँ पे कुशल युवा मिले, हमें उस प्रकार के कौशल के अंदर भी अपने बच्चों को ट्रेन करना है।
परंतु हमें इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल यहाँ भी देखना है कि ये हमारे रिमोट एरियाज में कैसे उन क्षेत्रों में हमें हेल्प कर सकती है। जैसे हेल्थ केयर है, आज हेल्थ केयर की रीच हमारे लास्ट माइल तक नहीं है, परंतु अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो लास्ट माइल तक हमारी हेल्थ केयर के सिस्टम पहुंचाया जा सकता है। आप देखिए वाटरबोर्न डिजीजेस, पानी के कारण से कितने लोग गाँव क्षेत्रों में, ट्राइबल बेल्ट में, उनको तकलीफ पहुंचती है। लेकिन अगर हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का इस्तेमाल करें तो IoT के कारण से बहुत सारी चीजों का एनालिसिस करके हम लोग वाटरबोर्न डिजीज को, हेल्थ केयर को की समस्या को सुलझा सकते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर जो आज एक बहुत बड़ी समस्या है कि एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए, बहुत जगहों पे नई टेक्नोलॉजी का अनुसरण किया जा सकता है और हम अपने एग्रीकल्चर के अंदर उस टेक्नोलॉजी को उस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनकी उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी अर्निंग्स पर हेक्टेयर कैसे बढ़े, इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इस्तेमाल हो सकता है। अगर बचपन से ही बच्चों को ओरिएंट किया जाए इन चीजों के प्रति, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये हमारे देश में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ हर क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज है। हम डेवलपिंग नेशन है और उसमें हर क्षेत्र में हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसको हम मटेरियलाइज कर सकते हैं। मैं कोरोना के काल में मैं बड़ा हैरान हो गया था कि जो लोगों ने कहा कि हमारे पास तो अब स्टार्टअप्स नहीं शुरू हो सकते, एंटरप्राइजेस नहीं शुरू हो सकते, परंतु मैं जब डेटा देख रहा था तो मेरी मुझे बड़ा खुशी हुई कि हमारे यहाँ के बहुत सारे स्टार्टअप्स ने इस कोरोना काल में ही लगभग 1.23 बिलियन US डॉलर्स की जो फंडिंग रेज की है। बहुत सारे जो हमारे फंड रेजर्स हैं स्टार्टअप्स के लिए भारत के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने अपने लिए बहुत सारा स्टार्टअप्स के लिए फंड्स को रेज किया है थ्रू वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि उनके प्रोडक्ट्स, उनके माइंडसेट और उनकी टेक्नोलॉजी और उनके थॉट प्रोसेस को रिकॉग्नाइज किया और उसमें इन्वेस्टमेंट्स आई। यही नहीं, मैं एक प्रोजेक्ट देख रहा था जो भारत में अभी हमारी आदिवासी महिलाओं ने किया है छत्तीसगढ़ में, और आप जानते होंगे कि वहाँ छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में वो एक हर्ब है जिसका नाम है महुआ। वो महुआ को ब्रिव करते हैं, उससे वो कुछ बनाते हैं, अल्कोहलिक टाइप कुछ होता है। लेकिन उस महुआ को मैंने देखा कि अभी उसके ऊपर आदिवासी महिलाओं का एक छोटा समूह बना हुआ है और अब उन्होंने अभी कोरोना पीरियड में उसको मधुकम के नाम से अभी एक ब्रांड को रजिस्टर किया है, और ये हैंड सैनिटाइजर यानी वही अल्कोहल जो इस महुआ से निकलता था अब उसको उन्होंने डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है हैंड सैनिटाइजर्स की ओर। तो यानी ये कौशल, अगर देखिए ये कौशल अगर हम अपने ट्राइबल्स तक, एग्रीकल्चरिस्ट तक, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है इन लोगों तक पहुंचाएं, तो मुझे लगता है कि जो पोटेंशियल है काम करने का, लाइवलीहुड का, वो बहुत बहुत ऊपर है। स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारी जो आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बहुत अच्छी अनाउंसमेंट की जिसमें प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है, पहले हमारे MNCs आते थे लेकिन अब भारत की ऑर्गेनाइजेशंस को स्पेस प्रोग्राम में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, डिफेंस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो इस क्षेत्र में जो लोकल लेवल पर जो कैपेबिलिटीज हैं उसमें जो स्किल सेट्स की आवश्यकता होगी, क्योंकि अब इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन में आज अगर उस कंपनी को ग्रो करना है तो उस लेवल की टेक्नोलॉजी, उस लेवल का स्किल, उस लेवल का ब्रेन हमारे युवाओं ने, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने लाना है। मैं अभी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम देख रहा था जिसका नाम बेलेट्रिक्स एरोस्पेस है। ये अभी जो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत भी इन्होंने अभी एक बेंगलुरु में स्टार्टअप बनाया था। तो अब ये अपने इसरो के साथ और अपने एक एविएशन सेक्टर के साथ ये काम कर रही हैं कि कैसे सैटेलाइट जो हम ऊपर भेजते हैं उसके पेलोड के ऊपर कैसे काम किया जाए। तो ये नई टेक्नोलॉजी जो है इन्होंने अभी उसके ऊपर काम करना शुरू किया है। अब ये देखिए ये एरियाज हैं जहां पे आज हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं। रिन्यूएबल सेक्टर में हमारे पास, रिन्यूएबल एनर्जी में हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि हमारे देश में समस्याएं बहुत हैं। तो लोग कहते हैं तो यहाँ तो प्रॉब्लम्स हैं,
जहां प्रॉब्लम्स है वहीं तो अपॉर्चुनिटीज हैं, और उन प्रॉब्लम्स के अंदर अगर हम देखें किस प्रकार के कौशल, किस प्रकार के स्किल की जरूरत है, चाहे वो सोलर टेक्नोलॉजी है, वाटर टेक्नोलॉजी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, मुझे लगता है हर एक क्षेत्र में टेक्नोलॉजी बेस्ड इंप्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज को लाना हमारे पास एक बहुत अच्छा अवसर है। परंतु साथ में जो ट्रेडिशनल पद्धतियां हैं उन पद्धतियों को भी हमें रिन्यू करने की आवश्यकता है, और उन पद्धतियों में मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत फायदा हो सकता है देश को। परंतु उनको एस्टैब्लिश करने के लिए जो सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है कि वो उनको कैसे सपोर्ट करे, क्योंकि जो पारंपरिक पद्धतियां हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको सेव करना और उनके उनको इनक्यूरेट करना ये एक टफ काम है, क्योंकि लोगों का इसमें ज्यादा मन नहीं होता, लोगों को इसमें फायदा दिखता नहीं। तो इसलिए शुरुआती दौर में इनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है ताकि हम उसके फायदे फिर से री एस्टेब्लिश कर सकें और उसके प्रति लोगों का इंटरेस्ट बढ़े। तो उन क्षेत्रों में भी हमें कौशल प्रदान करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के हमारे पास जो अब आने वाले दिनों में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, इन अपॉर्चुनिटीज में पारंपरिक क्षेत्र और मॉडर्न क्षेत्र दोनों में मुझे लगता है भारत के अंदर जो कौशल के प्रति अब जो ये इंटीग्रेटेड मॉडल में शिक्षा आएगी इससे बहुत ज़्यादा बल मिलेगा, और भारत के अंदर जो ये आज सबसे बड़ी समस्या है एम्प्लॉयबिलिटी की सबसे लोवेस्ट है ये बढ़ेगी। साथ ही मैं दो तीन चीजें और बताऊंगा कि रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग का मॉडल भी अब भारत में अब एस्टेब्लिश होने लगा है, जिसमें जिनके पास पूर्व अनुभव है परंतु सर्टिफिकेट नहीं है तो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के द्वारा वो अब अपने पूर्व अनुभव को एक सर्टिफिकेशन के मॉडल में ला सकते हैं ताकि उनको भी किसी लेवल की क्वालिफिकेशन मिल जाए और उनको भी समाज के अंदर प्रतिष्ठा मिले और उस प्रतिष्ठा से वो अपने काम को और बल दें और नई चीजें भी सीखें। ये भी एक बहुत अच्छी योजना है भारत के अंदर, और साथ में जो अप्रेंटिसशिप मॉडल है इस अप्रेंटिसशिप मॉडल को और हर राज्य ने बल देना है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप के आधार पर ही एक बच्चे की जो लर्निंग है उसको स्किलिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है अच्छी तरह से। तो उसमें इंडस्ट्रीज को एंगेज करना, यूनिवर्सिटीज का काम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे इंडस्ट्रीज को एंगेज करें, करिकुलम बनाएं और बाद में उन इंडस्ट्रीज में बच्चों को अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिले, तभी जाके स्किलिंग में जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ हो सकती है और वो समाज के लिए कल्याणकारी साबित हो सकते हैं। तो मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा समय लिया है, मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम दूंगा क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है मैं बोलता जाऊंगा और इसका कोई अंत नहीं है, परंतु मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और अगर मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं एक बार पुनः उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का एक मौका दिया। धन्यवाद राजेंद्र जी। सर कोई किसी का कुछ प्रश्न रहे तो अभी पूछ सकते हैं, इसलिए हम एक कुल मिला के अभी 7:05 हो गए, अगर 15 मिनट में कुछ प्रश्न आप रहे तो पूछ सकते हैं। जो प्रश्न पूछना है वो तो हैंड रेज करिए, अब हम उसको बुलाएंगे। जगदीश्वर राव हिंदुस्तान शिपयार्ड और आलुदा वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम विशाखापट्टनम, प्लीज स्टार्ट। ये जगदीश्वर राव अनम्यूट कर, हाँ प्लीज। नमस्कार जी। नमस्कार। आपने जो बताया ये स्किल डेवलपमेंट नई शिक्षा नीति में, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए, बाकी लोग प्रश्न जब ठीक है प्लीज कंटिन्यू करिए। जो सरकार ने जो नया शिक्षा नीति बनाई है और उसको स्किल डेवलपमेंट के साथ में जोड़ के लाई है, ये एक अच्छी प्रणाली है, लेकिन आगामी दिनों में जो हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिलने वाली है तो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो ये स्किल डेवलपमेंट जो आपने बताया कि शिक्षा के साथ साथ किसी ना किसी इंडस्ट्री के साथ उनको जोड़ा जाएगा, तो वहां से जो सर्टिफिकेट मिलती है वो सर्टिफिकेट को मान्यता मिले तभी जाके प्राइवेट सेक्टर वाले या गवर्नमेंट सेक्टर वाले उसको स्किल मानकर उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है। तो जो शिक्षा प्रणाली बना रहे हैं और उसमें जो स्किल डेवलपमेंट की अटैचमेंट करेंगे किसी ना किसी इंडस्ट्री के साथ, तो उस इंडस्ट्री का दिया हुआ सर्टिफिकेट को भी मान्यता मिलना चाहिए तभी जाके हम कुछ सक्सेस हो सकते हैं। तो इस तरह की कोई कंडीशन अभी इसमें आ सकती है? आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आज एक बहुत बड़ी समस्या है शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन के वर्ल्ड में,
कि जो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आज जो कार्यक्रम चलाए हैं उसमें शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स हैं जो 300 घंटे से लेकर 600 घंटे तक के कार्यक्रम होते हैं, उसमें जो सर्टिफिकेशन उनको मिलती है उस सर्टिफिकेशन की इंडस्ट्री में रिकॉग्निशन, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हमने भी ये मुद्दे बहुत बार सरकार के सामने रखे हैं। इनफैक्ट मैं स्टेट गवर्नमेंट के सामने भी ये मुद्दे रख चुका हूँ कि हमें शुरुआत करनी चाहिए कि जहाँ पे बच्चों को हम हायर करते हैं, चाहे आउटसोर्सिंग में हायर करते हैं या इनसोर्सिंग में हायर करते हैं, वहां लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताऊं, अभी इसी वोकेशनल एजुकेशन में डीवॉक, बीवॉक और एमवॉक भी हैं, जैसे बैचलर ऑफ वोकेशन और मास्टर्स ऑफ वोकेशन, दोनों कोर्सेज को यूजीसी ने मान्यता दी है और इस नई शिक्षा नीति में बीवॉक और एमवॉक का वर्णन है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ेगी। परंतु हमारे विश्वविद्यालय में, मैं आपको एक खुशी की बात बताऊंगा, 2017 में जब आया था हमने इंडस्ट्री के साथ इंटेग्रेटेड मॉडल में बीवॉक प्रोग्राम को लाया, डीवॉक प्रोग्राम को लाया और एमवॉक प्रोग्राम को लाया। और 2017 का बैच जो मेरे यहाँ पहला बैच यूनिवर्सिटी में आया जब मेरे पास कैंपस भी नहीं था, वो मैंने 6 महीना इंडस्ट्री, 6 महीना हमारे यहाँ पढ़ाई, 6 महीना फिर इंडस्ट्री, 6 महीना पढ़ाई, 6 सेमेस्टर्स का प्रोग्राम था जिसमें 3 सेमेस्टर इंडस्ट्री, 3 सेमेस्टर क्लासरूम में। और इस साल 2020 में वो बैच कंप्लीट हो गया। आपको खुशी की बात मैं बताता हूँ, इंडस्ट्री ने उन सारे बच्चों को जॉब ऑफर्स ऑफर की जबकि कोरोना काल चल रहा था, उसमें कुछ बच्चे पुणे में ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ बच्चे आज ही अभी इस मीटिंग से पहले मैं इंडस्ट्री के साथ मीटिंग में था तो उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है कि अगले हफ्ते बाकी बच्चों के इंटरव्यू कराएंगे। तो मुझे लगता है ये प्रयास जो है अब सरकार ने उठाया है इसमें सार्थकता समय के साथ आएगी। परंतु पहला आपका विषय बिल्कुल सही है, इसमें हमें और काम करने की आवश्यकता है, देश भर में इसके प्रति जागरूकता और सरकार ने इसके प्रति कुछ नोटिफिकेशंस भी इशू करने की। मैं आपके माध्यम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने माध्यम से, संगठन के माध्यम से इस विषय को सरकार तक पहुंचाएं कि जो स्किल क्वालिफिकेशंस आज बच्चों को मिलती है हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स की, उसकी नोटिफिकेशंस भारत सरकार भी निकाले ताकि उन बच्चों को उसके प्रति जो आकर्षण बढ़े। ठीक बात, धन्यवाद जी। मेरा प्रश्न है, एक प्रश्न है, मैं हेलो जी, मेरा प्रश्न ये है कि अभी आपके द्वारा बताया गया कि भारत में 800 एमएनसी कंपनियां काम करती हैं, उसमें लगभग 4 लाख भारतीय काम करते हैं लोग, लेकिन अगर उसके स्थान पर क्या भारत सरकार या कोई ऐसी योजना छोटे छोटे कुटीर उद्योग और अपने भारतीय स्तर पर कंपनियों का अपने जो एम्प्लॉयमेंट ऐसे कोई आए तो ऐसे क्या कोई सरकार या योजना प्रोत्साहन ऐसी कुछ हो सकता है क्या? आप देखिए, भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाई भी हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, ऐसे ही मैं आपको कुछ योजनाएं बताता हूं। जैसे अभी भारत ने नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक पॉलिसी लाई है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक स्टार्टअप हब का पोर्टल बनाया है जिसके अंदर अभी 5,000 करोड़ का फंड सरकार ने ईयरमार्क किया है फॉर 12 चैंपियन सेक्टर्स। साथ ही में भारत सरकार ने एक 8,000 करोड़ के फंड से नेशनल मिशन फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग इसको खड़ा किया है और इस इन ये कोर टेक्नोलॉजीज के एरिया है जहां पे जिनके पास क्षमता है और इस क्षेत्र में कुछ करने की इच्छा है वहां पे वो अपनी नई एक्सप्लोरेशंस, नए चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप ने एंटरप्रेन्योरशिप एरिया में छोटे छोटे उद्योग 50,000 से लेके 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख तक के भी लगाने की बड़ी सारी सुविधाएं प्रदान की हैं। स्टेट्स ने भी बहुत सारी स्कीम्स लाई हैं। मुझे लगता है कि एक तो स्किल, एक अवेयरनेस और उसके बाद माइंडसेट कि मुझे करना है। हमारे यहाँ मैंने देखा कुछ लोगों में जो प्रॉब्लम है, बच्चों में भी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो कुछ करने से पहले ये सोचते हैं कि बस करते ही हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो कहीं पे हमें इस माइंडसेट को भी एड्रेस करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है ये एक शिक्षा नीति तो इसको एड्रेस करेगी करेगी, पर अभी भी हमें युवाओं, जो भी करंट युवा हैं, हमें उनकी काउंसलिंग में बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है, उनके माइंडसेट को कि सक्सेस एक दिन में नहीं आता, सक्सेस को लाने के लिए बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, फेलियर्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। बहुत सारे युवाओं में ये एक स्किल
मिसिंग है, इमोशनल स्ट्रेंथ मिसिंग है, स्टेबिलिटी मिसिंग है। अगले इंदु नायर, इंदु नायर हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है सर, टेलीफोन से रिटायर्ड है जी। प्लीज इंदु जी आप। नमस्कार जी। सर आपने जैसे कहा कि 11वीं कक्षा में सब्जेक्ट चूज करने की आजादी होगी, वो क्या मार्क्स के आधार पे होगी? क्योंकि कई बच्चे रटा एजुकेशन में मार्क्स तो लाते हैं लेकिन कुछ बच्चे मार्क्स ना लाके लेकिन उनका जो मेडिकल आईक्यू होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो क्योंकि बेस्ट है सब्जेक्ट चूज करने का रहेगा। अभी सरकार ने एक नेशनल कमिटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन NCIVE की घोषणा की है इस स्कीम के अंतर्गत। ये कमिटी अगले कुछ महीनों में किस प्रकार से इसको इंटीग्रेट करना है और मल्टी डिसिप्लिनरी मॉडल कैसे बनाना है इसके ऊपर अपना प्रस्ताव सरकार में रखेगी और उसके बाद उसके आधार पर काम होगा। परंतु जो मैंने आपको बताया कि 5+3+3+4 इससे ये स्वरूप समझ में आता है कि बच्चे को चॉइसेस ऑटोमेटिकली आती जाएंगी। जैसे आज 11वीं में तो थोपी जाती है कि वहां एडमिशन नहीं मिला तो अब तो आप यही करोगे, लेकिन क्योंकि ये 5वीं, 8वीं और 10वीं तक बच्चों के बेसिक स्किल्स को मॉडिफाई करते हुए उनके इंटरेस्ट के आधार पर आगे बढ़ाता जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये चॉइस बेस्ड ऑप्शन बच्चों के सामने होगा। वेरी नाइस सर, थैंक यू। नीता चौबे वो नागपुर से BMS का नेशनल सेक्रेटरी और ट्रांसपोर्ट में काम कर जी। नीता जी नमस्कार। नमस्कार। ये नई शिक्षा नीति जो अब हम ला रहे हैं उसके बारे में हम लोग बहुत सब आशावादी है, क्या इससे स्वयं रोजगार अच्छी मात्रा में बढ़ने लगेगा? आज जो हम अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और ये नई शिक्षा पद्धति का अच्छा परिणाम दिखने के लिए अंदाज से कितना समय लगेगा? क्योंकि हम भी बहुत इसके लिए बहुत उत्सुक है कि कैसे इसके परिणाम रहेंगे और कितने अच्छे रिजल्ट आएंगे, अरे बेरोजगारी के वजह से जो आत्महत्या भी हो रही है वो भी कैसे कम होगी? नमस्कार। आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, कोई भी टेक्टोनिक शिफ्ट जब किसी स्ट्रेटजी में आता है तो उसका परिणाम कम से कम आज से 10 साल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लगते हैं। मुझे लगता है भारत में ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट है, ये पैराडाइम शिफ्ट है, और अगर इसको धरातल पर जिस विचार के साथ इसको प्रस्तुत किया गया है और कैबिनेट ने पारित किया है, अगर उस विचार को उसी हिसाब से धरातल पर उतारा गया और एग्जीक्यूट किया गया, मेरा व्यक्तिगत मानना है, मेरा जो अपना अनुभव है, 5 से 10 साल में भारत कंप्लीटली बदलेगा। भारत के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स हैं, लाइवलीहुड इंडिकेटर्स हैं, ये सब इंडिकेटर्स बदलेंगे। परंतु इसके लिए एक सफल एग्जीक्यूशन की आवश्यकता है, ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो पैशनेटली इसको डिप्लॉय करें। बहुत बहुत अच्छा सर, धन्यवाद सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेरी आवाज आ रही है? रंजन साहब बात करिए। बताइए जी। मैं सोचता हूँ कि जो स्किल डेवलपमेंट है इसके आधार पर जब कोई बीट कंप्लीट करने के बाद भी उसको नया कोर्स करना पड़ता है, ऐसा जो स्किल डेवलपमेंट का विषय है, एक लड़का क्या उसी लेवल तक उसको स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा कि वो काम कर सके? लेकिन आज तो बीटेक जो कर रहा है उसके बाद भी वो जाकर बेंगलोर में बाहर जाकर दूसरे कंपनी के साथ वो कोर्स कर रहा है, लेकिन हमारा उसी तरह का स्किल डेवलपमेंट होगा क्या?
आपकी आपका सवाल मुझे पूरा समझ में नहीं आया, लेकिन अंत में मैंने सुना आपने कहा कि जो बीटेक बच्चे करते हैं उसके बाद वो फिर बैंगलोर में और ट्रेनिंग करते हैं तब जाके उनको जॉब मिलती है। जी 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 वही आपने आपने सही कहा। ये एक समस्या है आज हमारे यहाँ पे। अगर आप हमारे यहाँ भारत का बहुत सारे रिसर्च डेटा देखें तो 60-70% जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं हर साल 15 लाख से भी ज्यादा बच्चे ग्रेजुएट होके बाहर निकलते हैं, इंजीनियरिंग करके निकलते हैं, उसमें से 70-80% बच्चे जो हैं वो अनएम्प्लॉयबल हैं एज पर एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। अनएम्प्लॉयबल क्यों है? क्योंकि जिस प्रकार का करिकुलम उनको पढ़ाया जा रहा है, जिस प्रकार का लैब वर्क उनके कराया जा रहा है, जिस प्रकार के वर्कशॉप्स उनको लिए जा रहे हैं, जिस प्रकार की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनको इंस्टीट्यूशन में दी जा रही है, वो जब इंस्टीट्यूशन बना था तब करिकुलम बना, तब वो लैब बनी, तब वो वर्कशॉप बना। पिछले 10-12 सालों में 15 सालों में दुनिया बदल गई, इंडस्ट्री बदल गई, इंडस्ट्री की ऑटोमेशन बदल गई, इंडस्ट्री का सिस्टम बदल गया, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन, वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी का करिकुलम नहीं बदला, उसका पढ़ाने का तरीका नहीं बदला, टीचर की अपग्रेडेशन नहीं हुई, टीचर ने कभी ये नहीं देखा कि इंडस्ट्री के अंदर क्या बदल रहा है, वो वर्कशॉप नहीं बदला। कंप्यूटर आज भी आपको माइक्रोसॉफ्ट 5 या 7 या 8 या 9 चलाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट 10 आज चलता है। तो सवाल ये है कि जब इंडस्ट्री बदली, जब ऑटोमेशन बदली, जब टेक्नोलॉजी बदली, जब काम करने के तौर तरीके बदले, जब जॉब रोल्स बदल गए, तो शिक्षा के अंदर जो शिक्षा प्रदान करने वाले थे, जो कंटेंट देने वाले थे, जो उस चेंज को एम्ब्रेस करने वाले थे, उन्होंने कोई बदलाव किया नहीं। तो स्वाभाविक रूप है कि जो बच्चा शिक्षा ग्रहण करके निकला वो केवल सर्टिफिकेट लेके निकला, उसकी सर्टिफिकेट की क्वालिफिकेशन वैल्यू इंडस्ट्री में आज है ही नहीं। इसीलिए आज बीटेक वाला लड़का डिप्लोमा या आईटीआई का जॉब कर रहा है, क्योंकि उसकी बीटेक की डिग्री और आईटीआई और डिप्लोमा के बीच में इंडस्ट्री को कोई फर्क ही नहीं दिखता। तो इसलिए इंडस्ट्री बीटेक वाले को भी वही काम देती है जो डिप्लोमा वाले को काम देती है। उसका कारण यह है कि हमारी शिक्षक व्यवस्था में ऐसे इंस्टीट्यूट खड़े हो गए, ऐसे इंस्टीट्यूशन आ गए जिन्होंने केवल पैसा कमाना अपना मौलिक जिम्मेवारी समझी, और कॉलेज बनाया, पैसा कमाया, और कभी ये ध्यान नहीं दिया कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, बदलाव क्या है, ताकि हम भी बदलें। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर अंकुश लगेगा, और अगर ये चीज, मैंने फिर से कहा, अगर ये धरातल पे ठीक से उतरा, अगर ये धरातल पर उतारने के लिए कर्मठ लोगों ने काम किया, ये भारत का भाग्य बदल देगा। थैंक यू सर। आपने एक्चुअली ये कंटेम्पररी सिचुएशन के बारे में हमने विषय रखा है, अभी तक 5 लोगों ने बिंदु बिंदु विषय प्रश्न किया है, और कुछ लोगों को प्रश्न भी हो सकता है। मुझे क्या लगता है, समय के ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, तो और कोई हाथ उठाए नहीं, इसलिए मैं अभी अध्यक्ष जी से, कौन, राज बिहारी शर्मा जी, सर आपने और एक 5 मिनट समय दे सकते हैं हमारे लिए? जी जरूर। ठीक है, कि 2 प्रश्न है, मैं 2 लोगों को बुलाता हूँ, इसके बाद में नहीं बुलाता हूँ, पहले राज बिहारी जी, बाद में नीलिमा चिमोटे। नीलिमा चिमोटे का प्रश्न के साथ में क्वेश्चन आंसर पूरा हो जाएगा। राज बिहारी जी आप बताइए संक्षिप्त में। राज बिहारी हमारा ऑल इंडिया सेक्रेटरी है, ट्रांसपोर्ट से रिटायर हो गया है, पहले जनरल सेक्रेटरी भी थे, स्टेट ट्रांसपोर्ट में काम करता था। प्लीज राज बिहारी जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति जो सरकार ने घोषित की है, उसके लिए वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन और कैसे परिवर्तन होंगे और कितना समय लगेगा इस परिवर्तन में? देखिए, सरकार ने मोटे रूप से, मैं आपको बताऊं, सरकार ने जो बड़े मोटे परिवर्तन किए हैं, पहला परिवर्तन तो ये है कि सरकार ने कहा कि 3% से हम 6% पे जीडीपी स्पेंड करेंगे शिक्षा के ऊपर, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। दूसरा जो टारगेट सरकार ने रखा अपने सामने वो है कि 2035 तक हमें जनरल एनरोलमेंट
रेशो को जो अभी करंट 26-27% पे है उसको हमें 50% पे लेके आना है। तीसरा सबसे बड़ा लक्ष्य रखा है कि 2025 तक हमारा जो आज 5-6% स्किल्ड रिसोर्सेज है इंडिया में इसको 50% पे लेके जाना। चौथा सबसे बड़ा लक्ष्य रखा है कि हमें 3 लैंग्वेज में यानी 1 मदर टंग लोकल लैंग्वेज और 1 एनी अदर लैंग्वेज के आधार पर शिक्षा को ऑफर करना है। पांचवा जो सबसे बड़ा शिफ्ट आया है वो है कि हमें मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा प्रदान करनी है, ये लीनियर शिक्षा नहीं हॉरिजॉन्टल शिक्षा देनी है। और छठा सबसे बड़ा वो है फ्लेक्सिबल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम इन द एजुकेशन। ये बहुत बड़े परिवर्तन हैं शिक्षा में और अगर ये परिवर्तन सफल रूप से लगाए गए मुझे लगता है कि ये हमें बहुत बड़े बदलाव की ओर लेके जाएंगे। मैं अभी उदाहरण देता हूँ एग्रीकल्चर में, हमारे यहाँ बच्चे जो पढ़ते हैं ड्यूअल मॉडल में, अभी हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के पास ज़मीनें थीं जो उन्होंने इस्तेमाल नहीं की, फार्म हाउसेज में बनाए थे लेकिन कन्वर्ट नहीं किए। हम अभी एक नाबार्ड के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी, और उसमें क्या कर रहे हैं हम जो हमारे एग्रीकल्चर के बच्चे हैं जो अभी फार्म हाउसेज में काम कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, अब वापस आ गए हैं, हम उन्हें एक एक एकड़ के फार्म्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि 10-15 मेंबर्स बनाइए, उनसे आप फंडिंग ले लीजिए जो अर्बन एरियाज में हैं, और आप इन एक एक एकड़ की ज़मीनों पे डेयरी और एग्रीकल्चर नेचुरल फार्मिंग को जो आपने सीखा है उसको लगाइए, और ये जो मेंबरशिप हम उनको हेल्प कर रहे हैं लाने में उससे उनके पास कॉर्पस खड़ा होगा, उस कॉर्पस से वो इस काम को शुरू करेंगे और मुझे उम्मीद है वो अगले 1-1.5 साल के अंदर एक बहुत अच्छी आय यहाँ से निकालेंगे। हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो ये ज़मीनें हमारे बच्चों को दें और वो 1-2-3 साल में इस मॉडल को स्थापित करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सस्टेनेबल मॉडल्स हैं क्योंकि खाना पीना, दूध, एग्रीकल्चर ये लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं और ये हमारी हमारी स्ट्रेंथ भी है, और अगर हम इन क्षेत्रों में बच्चों को कुशलता कौशल प्रदान करें, इनके प्रति आकर्षण प्रदान करें, इनमें अर्निंग के अपॉर्चुनिटीज प्रदान करें, मुझे लगता है कि ये जो व्यवस्था है ये व्यवस्था बहुत सफल होगी। और यही शिक्षा नीति नई करने वाली है कि आपको रुचि अनुसार आपकी इंटरेस्ट को क्रिएट करके आपको आगे ले जाएगी। नेक्स्ट नीलिमा चिमोटे जी, आखिरी प्रश्न है। नीलिमा चिमोटे जी, राज्य स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है महाराष्ट्र में, बीएमएस का नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर में, पिछले 2 साल से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में एक एडवाइजर नाते वो जा रही है, डिफरेंट नेशनल सेमिनार्स में पार्टिसिपेट किया है। नीलिमा जी प्रश्न पूछिए। नमस्ते सर जी। वैसे भी मेरे 2 प्रश्न ये थे, उसका आंसर थोड़ा थोड़ा पहले 2 वक्ताओं के लिए आपने दे दिया था कि शिक्षा भी देश को विकसित करने में एक अहम भूमिका निभाती है, तो इसका और ये विकसित होने में कितना टाइम लगेगा इसका भी मुझे आंसर मिला है। लेकिन जैसे कि हमारे पास बच्चे है, बच्चे तो है लेकिन शिक्षा देने के लिए, कौशल्य शिक्षा देने के लिए अगर उतना एक्सपर्टाइज हमारे पास नहीं होगा तो ये कैसे हम लोग कर पाएंगे, ये थोड़ा एक मुझे जानना था कि इसके लिए कुछ सरकार ने कितना व्यवस्था की और क्या किया है, ये क्या आप हमें बता सकते हैं? धन्यवाद। आपने बहुत सही सवाल पूछा है कि अगर टीचर्स ही नहीं होंगे तो पढ़ाया कैसे जाएगा। तो सरकार ने इसमें एक बहुत अहम भूमिका अभी जो इनिशिएट की है वो ये है कि एक संस्था है जो 2021 तक सरकार को खड़ी करनी है जिसका नाम है NCFTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इस संस्था का काम है ये क्या करेंगे, दे विल फैक्टर इन रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम फॉर द वोकेशनल एजुकेशन। तो इस संस्था का काम है कि इस पूरे प्रोसेस, जैसे मैंने आपको कहा NCVIE ये इंटेग्रेशन को देखेगी और NCFTE ये टीचर प्रिपरेशन और डेवलपमेंट को देखेगी। इसके साथ ही सरकार ने एक और चीज की है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसका काम है असेसमेंट्स को देखना। तो एक साइड से इंटेग्रेशन NCVIE देखेगी, एक साइड से NCFTE टीचर डेवलपमेंट को देखेगी और एक साइड से NTA असेसमेंट्स को देखेगी। तो ये ट्रायंगल जो सरकार ने बनाया है, मुझे लगता है कि ये हमें जो आपने प्रश्न पूछा उसके ऊपर
सर एक और था उसके नहीं नहीं कितने पूछते रहते हैं बताए बताइए हाँ नहीं क्योंकि क्या है हमारा स्टेट गवर्नमेंट का कौशल्य विकास को पॉलिसी बनाने में मैं भी थोड़ा उसमें सहभागी थी तो उसमें उन्होंने एक ऐसा किया था हाँ इसीलिए मुझे पूछना था कि ऐसा था कि अगर कोई बच्चा अपना जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ कि कोई सोनार का बच्चा उसके फर्म में सोनार सीखता है सोनार का काम सोनार जो है तो उसको अगर उसका पेड़ी वो जो बंद हो जाता है दुकान उसको दूसरी जगह नौकरी करना है तो वो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट देने वाली थी तो क्या इस नीति में भी ऐसा कुछ प्राप्त जी हाँ उसका मैं उसका उस नीति का नाम है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग आरपीएल आरपीएल के अंतर्गत जो पूर्व अनुभव है उस अनुभव को उस जॉब रोल के अंदर एसेस करके सर्टिफिकेशन दिया जाएगा और इसके प्रति सरकार ने डॉक्यूमेंट अपनी नई शिक्षा नीति में बड़े स्पष्ट रूप से आरपीएल के बारे में वर्णन किया है बहुत अच्छा मुझे लगता है कि हमारा बहुत प्रश्न भी क्योंकि सर ने एक विषय रखा है एक तरह की भिन्न भिन्न विषयों के हमारा थॉट प्रोवोकिंग ज्यादा तरह का उनका लेक्चर था इसलिए मैं अभी भारतीय मजदूर संघ का अखिल भारतीय अध्यक्ष श्रीमान सजी नारायण जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि उनका अध्यक्ष ही भाषण करे सजी नारायण जी प्लीज कंटिन्यू म्यूट करिए नमस्कार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये कौशल विकास का एक नया डायमेंशन आपने हमारे सम्मुख रखा है कैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी सब आने के बाद इसके बारे में बहुत चर्चा भी चल रहे और आपने इसको भारत की प्रति हमारे जो गौरव है इससे जोड़ के आपने बताया एंगस मेडिसिन से होकर मेडिसिन से होकर आपने ये सारा बताया था और एक ये एनईपी अभी एकदम एक समय पर आया है और भारत के लिए बहुत बहुत आवश्यक है क्योंकि आपने जो बताया हमारा एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा कमियां एक अनएम्प्लॉयबल लोगों को वो प्रोड्यूस करते हैं ये एक बहुत बड़ा कमियां है ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो फेलिंग होता है सारी चाइनीज प्रोडक्ट हमारा मार्केट कब्जा करके रखा है ऐसा इसमें इस सब में हमने ये देखा है इसलिए एक नया पीढ़ी जो एम्प्लॉयबल है और इनोवेटिव है ऐसा लोगों को खड़ा करने में बिल्कुल ये एनईपी उसका क्षमता दिखाएंगे ऐसा हमको लगता है अभी हमारा मजदूर क्षेत्र में भी थोड़ा स्किल डेवलपमेंट का कुछ मुद्दा आ गया है अभी मजदूर क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्किल ऑन द जॉब स्किलिंग होता है इसलिए अभी नया वेज कोर्स रूल्स आया है उसमें भी स्किल के बारे में बहुत आया है उसके ऊपर हम भी अभी काम कर रहे हैं उसमें तीन तरफ की डिवीजन हुआ था अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड और स्किल्ड भारतीय मजदूर संघ ने एक और जोड़ दिया हाईली स्किल्ड वो भी सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया अभी चार डिवीजन होता है इसके बारे में वहां भी बहुत सारा समस्या खड़ा हुआ है उसके बारे में भी आपसे चर्चा करना चाहते थे लेकिन अभी समय के कमियां के कारण हम करता नहीं वहां भी स्किल में भी एक तरफ की एक वेज इंसेंटिव होना चाहिए जिसको ज्यादा स्किल है उसको ज्यादा थोड़ा वेज में थोड़ा इंसेंटिव होना चाहिए इसलिए वो सजेशन बीएमएस ने सरकार के सम्मुख अभी रखा है उसमें कई जगह ऐसा है छह महीने काम करते तो एक अनस्किल्ड आदमी थोड़ा सेमी स्किल्ड होता है ऐसा कुछ कालगण में स्किल्ड होता है फिर हाईली स्किल्ड होता है ये प्रोसेस हर जगह होते रहते हैं इसलिए वहां भी होता है लेकिन अभी ठेका मजदूर बहुत बढ़ने के कारण एक आदमी दो साल तीन साल एक जगह काम करते हैं दूसरे काम में जाते हैं वो तो एक उनके लिए एकदम नया काम है जितना स्किल उनको हुआ है वो वहां कोई फायदा नहीं ये ऐसा एक भी एक तरफ की गिग टाइप ऑफ वर्क वो भी बढ़ते रहते भारत में भी बहुत बढ़ते ये भी एक समस्या हमारे लिए है
उसी तरह ये वेज रूल्स में सरकार ने एक प्रयास किया स्किल को कैटेगराइज करने के लिए, जितना स्किल देश में है वो उस सबसे बड़ा विवादीय स्किल का कैटेगराइजेशन अभी हो चुका है, कई देश में कई स्किल उस पे छूट गया है, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसा स्किल के प्रति बहुत बड़ा चर्चा अभी बीएमएस पे चल रहे, बिल्कुल उसी विषय के ऊपर भी आपका बहुत बहुत हमारे कंसल्टेशन, आपका गाइडेंस सब हमको चाहिए। इसलिए ये कम समय में आपका बहुत बहुत बड़ा बढ़िया मार्गदर्शन हमको मिला है, इसके लिए आपको भारतीय मजदूर संघ की ओर से मैं बहुत 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 धन्यवाद आपको देता हूँ। नमस्कार जी। बहुत अच्छा हुआ। ब्रजेश उपाध्याय जी है, ब्रजेश जी, 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 जी। आप जी, 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 जी। आप वोट ऑफ थैंक्स बोलिए। मैं इसका पहले केवल एक समाचार देता हूँ, अभी फेसबुक में 8,764 मेंबर्स व्यूअर्स अभी है, तो एक हमारा पहला विषय बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हुआ है ना, और 1,640 एंगेजमेंट्स हो रहा है, तो ये विषय अच्छा है, इसके बहुत करके आप वोट ऑफ थैंक्स ऑफर करिए डॉक्टर। इसके इसके अलावा न्यूज भारत भी दूसरे यूट्यूब में चलाते हैं, न्यूज मीडिया न्यूज भारत के वो भी डायरेक्ट टेलीकास्ट कर रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम को। प्लीज ब्रजेश उपाध्याय, जैसा हमने प्रारंभ में निवेदन किया था, इस जन्म शताब्दी वर्ष में ऐसे कुछ महत्व के विषय जिन पर वर्षों से चर्चा थी और अपेक्षा थी, उसके एक महत्वपूर्ण विषय आज हम सभी लोगों ने श्रीमान राज नेहरू जी से सुना है। जब विषय का प्रस्तावना हम कर रहे थे तो एक अलग प्रकार की जिज्ञासा थी, लेकिन अभी सारी प्रस्तुति आने के बाद मुझे लगता है कि पूरा ऑडियंस जो अभी यहाँ प्रत्यक्ष झूम पर जुड़े हैं, सर एक बहुत आनंद का विषय है कि 8,000 से अधिक लोग फेसबुक लाइव पर इस समय कनेक्ट हैं, एक बहुत बड़ी ऑडियंस इसी समय, और एक नया विषय जो समाज में चर्चित है जिसको लेकर के मिसलीडिंग भी बहुत हो रही है। श्रीमान नेहरू जी ने इस विषय को जितना अच्छा सा हम सभी के सम्मुख रखा है, मैंने प्रारंभ में कहा था इज अथॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट, एंड उसी के हिसाब से इन्होंने इस विषय का प्रतिपादन हम सभी के सम्मुख किया है, तो निश्चित तौर पर मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमने जितना समय उनसे मांगा था उससे ज्यादा समय लिया है, उसके लिए उनसे क्षमा चाहता हूं। और जैसा आज विषय रखा है, अभी हम उनसे बार बार समय मांगेंगे ऐसा मुझे जरूरत लग रही है, संगठन को जरूरत लग रही है, तो बार बार हम उनके पास ऐसे अपने तमाम सारे प्रश्नों के समाधान के लिए आएंगे, और वो टीचर हैं, गुरु हैं, उन्होंने ही मार्ग दिखाना है, तो हमको भी मजदूर आंदोलन को भी मार्ग दिखाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा भी है। हमारे सभी केंद्रीय कार्य समिति के लोग सदस्य जुड़े, और लगभग सभी ने अपने स्तर से फर्दर एक्सटेंड किया है आज के इस मैसेज को, इसलिए एक बड़ी व्यूअरशिप भी ऑडियंस के साथ जुड़ चुकी है। तो अपने सब कार्यकर्ताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, सबने जितना समय दान मांगा था उससे अधिक दिया, और मैं समझता हूँ हमने नहीं रोका होता तो भी हमारे सभी के प्रश्न हैं, बचे हुए हैं, ये और लंबा चल सकता था, तो इसके लिए भी मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और निश्चित तौर पर हम सबने जो विचार किया था, आज पहला दिन था जब ये सोचा था कि कैसी लेक्चर सीरीज रखेंगे, वो ऐसी लेक्चर सीरीज क्या बनेगी, कैसा बनेगी, ऐसे तमाम सारे द्वंद, लेकिन आज नेहरू जी ने जैसा प्रतिपादन किया उसको देख करके हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल आसमान पर है कि हम बाकी के जो 6-7 हमारे सब्जेक्ट हैं हम बहुत अच्छा सा ले जाएंगे। और अपने यहाँ उपस्थित सभी जो व्यूवरशिप है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और अभी जो जूम पर जुड़े हैं, उन सबको मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो रोज के लेक्चर्स हैं वो ऐसे ही उपयोगी होंगे हम सभी के लिए, ऐसे ही बहुत मतलब के होंगे, हम सभी को आने वाले समय में बहुत देर तक बहुत सारे प्रश्नों का मार्गदर्शन करेंगे, इसलिए उसका लाभ हम सभी लोग जरूर उठाएं। ये व्यूअरशिप और एक्सटेंड हो, ये आज के सक्सेसफुल लेक्चर का हमको प्रतिशत जैसा रहेगा, इसलिए सभी अपने अपने स्तर पर इसका प्रयास करें।
करोड़ों में भारतीय मजदूर संघ की मेंबरशिप और सदस्यता है, हम अभी हजारों तक पहुंचे हैं। हम सभी ने अपने अपने स्थान पर प्रयत्न करना है, इस टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए हम बड़े पैमाने पर सबको इसके साथ जोड़ पाए। हृदय से आभार व्यक्त करते हुए सभी का, ये आज का जो सब्जेक्ट था ये पूरा होता है ऐसा मैं घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी को नमस्कार। कल से फिर सेम 6 बजे हम मिलेंगे। कल का जो है लेबर लॉस के बारे में विषय रहेगा, कल 6 बजे मिलेंगे। यही आप सबको धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद राजनेहू जी। जय सर, जय सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा हुआ, वाज सो इफेक्टिव। थैंक यू सर, थैंक यू। इफेक्टिव मींस यूजफुल, नॉट इफेक्टिव, यूजफुल। धन्यवाद सभी को, बहुत अच्छा लगा। ये अनमोल का निकल रहा है, ठीक है। अभी अच्छा हो गया, आप लोग करिए। अभी अनम्यूट करता है सब लोगों के लिए, 2-3 मिनट के लिए ओपन सेशन है, आप बात करते रहिए, ठीक है। तो कल मिलेंगे। कल भी प्रश्न के लिए आप लोगों को तैयार करके रखिए। आज का विषय बहुत ही प्रभावशाली रहा, बहुत अच्छा विषय। धन्यवाद सर, कंटेम्पररी विषय। इसलिए एक निवेदन करूंगा, हाँ, से जिसने सुना है अपनी समझ के आधार पर सब लोग इस पर एक नोट बनाए। मैंने क्या अंडरस्टैंड, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग क्या था कंटेंट, ये तो फ्यूचर में उसमें कुछ करेक्शंस होगी तो हम सब लोग कर पाएंगे। ये आने वाले समय में बहुत डिबेटेबल टॉपिक होगा। लेफ्टिस्ट लोग इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, ये फील्ड में भी चर्चा में आ जाएगा। और कल जो लेबर लॉ के बारे में रहे, सब नोटबुक लाकर खड़े हो सकते हैं, बैठ के लिख भी सकते हैं। गीता साहब को बोलना चाहिए, होंगे और नोट लीजिए। कल से भी जो लोग सीरीज में ज्वाइन करते हैं, दे आर सुन कम विद द पेन एंड नोटबुक। ऐसे भाषण कथा सुनने के लिए नहीं, दीज आर वेरी इंफॉर्मेटिव सेशंस। गीता साहब नोट करना, समझने के लिए करना है। गीता साहब कुछ बोलना चाहिए, विषय बहुत अच्छा हुआ, हमको बहुत सारा ज्ञान मिला है, अभी कैसा करना है ये सोचते हैं। ठीक, नमस्कार सबको, नमस्कार, 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 सत्र समाप्त, नमस्कार, नमस्कार सबका, नमस्ते, नमस्ते सर, धन्यवाद। एक निवेदन है, तमिलनाडु पांडिचेरी लोग का बोला था, थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी मिक्स करना थोड़ा अच्छा है, उनका निवेदन है आपका साथ में हमने किया ना, कल कल वो मलेशिया जी करेंगे, चिंता मत करें, वंचित रहेंगे फिर अंग्रेजी से लगी, थोड़ा 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 समझ में आता होगा। सीधा जी बताइए। सुरेंद्रन जी, ये क्या है, अपना जो कार्य समिति सदस्य हैं उनकी पार्टिसिपेशन बहुत कम है। मुझे लगता है कि आज वो क्षेत्र प्रभारी या उन लोग को आज मिला के 48 लोग जुड़े थे। मुझे सिंपल बात है, क्या है, कल सभी लोग बात कर लीजिए आपके लोगों से, आया कार्य समिति मेंबर ही इसमें आना है। हाँ, कि 127 या 125 में जो है इतने लोग हैं, तो 48 मेंबर जुड़े हैं। इसमें 2 स्टेट प्रेसिडेंट है, जो कर्नाटक से जो आए थे वो है, अभी अभी जो लीडरशिप हो गया, अभी अभी आज 10,000 लोग से ज्यादा लोग देखना शुरू कर दिया, मिलेंगे कल, मिलेंगे। नमस्कार, नमस्ते, नमस्कार, 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 हनुमान जी नमस्ते। ये हनुमान जी कहाँ रहते हैं?